देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। शिवलिंग निराकार परमात्मा शिव के स्वरूप का प्रतीक है। चंडीगढ़ धनास के सेक्टर 14 सेवा केंद्र पर शिवरात्रि का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर मेयर सरबजीत कौर, पूर्व डिप्टी मेयर जगतार सिंह ढिल्लो, पार्षद कुलजीत सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके लाज और बीके परमजीत ने शिव ध्वज लहराकर शुभकामनाएं दी। बीके बहनों ने बताया कि शिवलिंग निराकार परमात्मा शिव के स्वरूप का प्रतीक है, इसीलिए उसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरी सौगात भेंट की गई। देखिए कैसे शिवमय हुई काशी। भगवान विश्वनाथ की भूमि काशी शिवमय हो गई जब डिवाइन संस्कार शाला के बच्चों के लिए बालाजी उपवन में शिवरात्रि महोत्सव का सुंदर आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रतिष्ठित उद्योगपति केशव जालान, मुकुंद अग्रवाल, समाज सेविका सुनीता भार्गव, डॉक्टर अश्विनी कुमार, संजय लोहिया मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जिनका स्वागत बीके लता, बीके यश, बीके अरुण और बीके हर्ष ने गुलदस्ता भेंट कर और शॉल उड़ाकर किया। इस दौरान अतिथियों व बच्चों को वीडियो के जरिए शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताया गया, तो वही बच्चों ने भी राजयोग कैसे करते हैं और उसके लाभ क्या है इस पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। यह कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद रहे। कर्नाटक के कोलार में कोटिलिंगेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जहां 1 करोड़ शिवलिंग का दर्शन किया जा सकता है और खासकर शिवरात्रि पर भक्तजन उसका दर्शन करना चाहते हैं। इसीलिए चेन्नई के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में शिवलिंग को रिफ्लेक्टिव वॉल के जरिए इस तरह दिखाया गया, जो कि कोटिलिंगेश्वर मंदिर की ही सुंदर अनुभूति कराए, जिसका कई भक्तों ने दर्शन के जरिए लाभ लिया। इस मौके पर सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें चेन्नई के जोनल सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना, पुंथामली सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मा ने सभी को पर्व का आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए शिवरात्रि को सही अर्थों में मनाने का आह्वान किया। बहादुरगढ़ सेवा केंद्र द्वारा मंदोती गांव में भी शिवरात्रि के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें माउंट आबू से ज्ञानामृत पत्रिका की सह संपादिका बीके उर्मिला ने बताया कि परमात्मा शिव का दिव्य अवतरण मनुष्य को बुराइयों और विकारों से आजादी दिलाने के लिए हुआ था, जिसके यादगार में शिवरात्रि मनाई जाती है। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके विनीता, समाज सेवी पवन, सरपंच भोलू समेत अनेक विशिष्ट लोग शामिल हुए। ब्रह्मा कुमारीज के समाज सेवा प्रभाग द्वारा कर्नाटक के सिरसी सेवा केंद्र पर सफाई कर्मियों के सम्मान में कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान सीएमसी प्रेसिडेंट हेल्थ ऑफिसर की उपस्थिति में 108 स्वच्छता सेनानियों को शॉल और शिव बाबा का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। यह आयोजन सेवा केंद्र प्रभारी बीके बीना के नेतृत्व में संपन्न हुआ, जिसमें अतिथि के रूप में सीएमसी प्रेसिडेंट गणपति नायक, इंजीनियर नारायण नायक, हेल्थ ऑफिसर नवीन कुडालकर समेत अनेक विशिष्ट गण मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमारीज के अंबाजोगाई सेवा केंद्र पर डोमेस्टिक वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें बीके सुनीता, ऊर्जा ऑडिटर बीके केदार और डॉक्टर अलका ताड़कलकर मुख्य रूप से मौजूद रहे। मौके पर बीके केदार ने ईंधन संरक्षण की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाए, इस विषय पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एवं डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाई और सभी ने ऊर्जा की बचत करने का दृढ़ संकल्प लिया। खबरों में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए मधुबन न्यूज़।